हम लोग टॉपिक नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैं जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलूंगा तो आप केवल ईएमआई लिख के चलना ना, मैं लिखना ये। देखो ये सब के बारे में चर्चा तो मैं किया ही था, पहले भी चर्चा किया, लास्ट क्लास में कुछ इंट्रो दिया था शायद ना, अब इसको शुरू ही करेंगे ना। याद करना, याद रखना, ब्रेन में बैठा करके रखोगे आप लोग। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता था? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हम लोग करंट पैदा करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा ना, तो ये सब चीज पढ़ा जाएगा। एक जो फर्स्ट टॉपिक है, जीरो टॉपिक, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं तुम लोग को बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ करके आना, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चलिए बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो याद करो, आपको कभी भी बताया था, याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते वक्त भी बताया था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ाते वक्त वही चीज रहा सब चीज बताइए। तो फ्लक्स जब निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप क्या चीज ढूंढते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया और एंगल ढूंढते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच, याद है ना? हम लोग एंगल क्यों ढूंढते थे, याद है ना? हम लोग को उस नंबर, उस फील्ड लाइंस के बारे में सोचना होता था जो सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता था, याद है ना? उसका डेफिनेशन भी दूसरे तरीके से दिया गया था। आप अगर मैं मान लेता हूं, जैसे कोई बहुत बड़ा सरफेस है, कोई एक बहुत बड़ा सरफेस है, मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन एक सरफेस हमने कंसीडर करा, ये सरफेस कहां पे रखा हुआ है? तो इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत बड़ा सरफेस है इस, अब इसको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, क्लियर? तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखलाना होता तो बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस तैयार होता ना, अगर इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक बस दिखला दिया, एक ही लाइन, आप समझ जाना कि बहुत सारे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, अगर इनफॉर्म रहा तो पैरेलल, नहीं इनफॉर्म रहा तो अलग। लेकिन अभी भी है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि पैरेलल है, मतलब बोल सकते डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा हूँ कि इनफॉर्म है या नॉन इनफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, इज इट? अब बताओ, अगर इनफॉर्म है या नॉन इनफॉर्म हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि एरिया को हम लोग बहुत छोटा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस सरफेस इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने कंसिडर करा, बहुत छोटा, दिस इज वॉट एलिमेंट्री एरिया, दिस इज वॉट एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया बहुत छोटा हुआ रहा होगा, लेकिन चूंकि पिक्चर में दिखलाना है इसलिए मैं इसको दिखला दे रहा हूं। ये क्या है, एलिमेंट्री एरिया डीएच, याद करो, उसी समय से आप एरिया को कैसे डील कर रहे हो, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो अगर ये डीएस रहा तो ये कौन सा रहा जी, ये एरिया वेक्टर नहीं रहा, डीएस, डीएस क्या है, एलिमेंट्री एरिया, तो एलिमेंट्री एरिया वेक्टर कौन सा रहा है, डीएस, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर रहा क्या है, तो आपको जब भी फ्लक्स अगर निकालना होता था तो आप क्या, कौन सा कंपोनेंट लेते थे, बी का ओ कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग जाता था, या डीएस का ओ कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता था, याद है ना? तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस लिखते थे आप लोग, क्या लिखते थे, याद है ना? फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस, किसका फ्लक्स बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का ना, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस, बताइए किसका फ्लक्स? तो यहां पे क्लियर कर दूं क्या, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस क्या होता था, याद करो, डी फाई, मैग्नेटिक है इसलिए मैं यहां पे बी लिख दूं या एम लिख दूं, समझ जाओगे? अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, डी फाई समझ जाना, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी फाई क्या था, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग जाता था, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है ना, याद है ना, वही सारा चीज है, इन दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा, तो बी का एक कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, बी कॉस थीटा इंटू डीएस, ऐसे लिखते थे, या फिर इसका एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अलोंग है, तो क्या, डीएस कॉस थीटा इंटू क्या, बी, बात तो बराबर ना रहा,
किसी भी कंडीशन में क्या आ रहा है, बी डी एस कॉस थीटा। याद करो बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डीएस को भी वेक्टोरियली मान रहा है, वेक्टर है तो, और थीटा किसके बीच का एंगल है, यहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर डीएस। इससे आप लोग को याद है ना, एक डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, बी डॉट डीएस। इज इट कोई प्रॉब्लम? दिस इज द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस। और अगर पूरे सरफेस के थ्रू निकालना है तो जस्ट गो विद द इंटीग्रेशन। तो अगर फर्दर इसको आप बढ़ाओगे तो क्या करना है, अगर फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मुझे पता नहीं है कि इनफॉर्म या नॉन इनफॉर्म है, क्या है मुझे नहीं पता है, तो इंटीग्रेशन लेते हो तो वही केयर ना करते हो, लिमिट का ही ना केयर करते हो, बात याद है ना। तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू गिवेन सरफेस एरिया फाइ निकाल सकते हो ना, जस्ट गो विद द इंटीग्रेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट लिमिट व्हाइल डीलिंग विद दैट। फाइ विल बी इक्वल टू व्हाट, डी फाइ, दैट इज व्हाट, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस। इज इट? याद रखना इंटीग्रेशन जब यूज करोगे तो लिमिट का ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है ना, सिचुएशनली और अकॉर्डिंगली हम लोग चर्चा करेंगे इस पर अभी, कोई प्रॉब्लम? अब तुम लोग से पूछा जाए, बताओ जरा, मैं पूछी दू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बताओगे तुम लोग? मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी चल सकता है ना, नोट करके कुछ समझ लो, और पढ़ा हुआ है भी, टेस्ला किसका एसआई यूनिट है बाबू, और डीएस का, तो क्या हो गया एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, क्या टेस्ला मीटर स्क्वायर, कुछ याद आया, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता था उसी को हम लोग टेस्ला बोलते थे, याद है ना। तो अब क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये वेबर नहीं हो गया, तो याद रखना एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, वेबर। तो लोग को एक क्लास वर्क देता हूं, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव ई का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फाइव ई, जस्ट फाइंड इट, टेक योर टाइम एंड फाइंड इट। Just write down the definition if you want. Would you like to write down the definition of magnetic flux? Just write down. 12th ke chiller party ho. Likhna zaruri hai. Na? Likh lo. The flux of the magnetic field. The flux of the magnetic field. The flux of the magnetic field through a given surface area. Through a given surface. Area held inside it is number of field lines crossing it normally मतलब सरफेस एरिया ना, क्रॉसिंग सरफेस एरिया नॉर्मली, इज इट? आप लोग इतना डेफिनेशन लिख दोगे तो चल ही जाएगा। और मैं पहले भी तुम लोग को बताया हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, हाउ मेनी लाइन्स वुड यू लाइक टू ड्रॉ फॉर अ पार्टिकुलर चार्ज और अ पार्टिकल वैल्यू ऑफ फील्ड, इज इट? आप के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना लाइन दिखलाते हो, लेकिन फिर भी यहां पे डेफिनेशन देना है तो आपको यही याद रखना है। क्या रहा डेफिनेशन, समझ में आया? K
किसी भी सरफेस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मली उस सरफेस एरिया को पास कर रहा है वही क्या कहलाता है? तो डेफिनेशन याद रहा ना, फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया हेल्ड इनसाइड इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट नॉर्मली, इज इट गुड? वेरी गुड, जस्ट राइट डाउन. Find out the dimensional formula of magnetic flux. कौन है? शादी हो गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए सोचना पड़ गया तुम लोगों को. मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाया गया था ना, यहां से भी अगर भूल गए, सब कुछ याद नहीं रहा, तो आप एफ इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा पढ़े हो ना? अरे पढ़े हो. तो बी का मैग्नेटिक ऐसे तो याद ही रखना चाहिए आप लोग को, लेकिन अगर भूल ही गए तो भी आप याद रख सकते. बी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू वी ना. वैसे भी तुम लोग को 11th क्लास में पढ़ाया था कि फोर्स एनर्जी वगैरह सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एम एल टी माइनस टू, और क्यू का ए टी, और भी का एल टी माइनस वन. अरे होता है, भी का एल टी माइनस वन नहीं होता है वेलोसिटी का? गुड. तो आप देखो तो ए टी ए टी 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 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो गया? एल एल भी तो कैंसिल हो गया. अरे एल एल भी तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा? एम, फिर बताओ ऊपर टी माइनस वन है ना, फिर ए माइनस वन. अरे होगा क्या? फिर से रिपीट करूं, एफ इक्वल्स टू क्या है? क्यूवी साइन थीटा ना. तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ अपॉन क्यूवी. एफ का फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और क्यू चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या? ए टी. पढ़े हो ना? ये भी नहीं पढ़े हो क्या जी? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़े हो ना, डी क्यू बाई डी टी. तो क्यू इक्वल्स टू आई टी हुआ ना, ए टी. अच्छा, भी का एल टी माइनस वन, तो ये टी टी कैंसल ना, और एल एल भी तो कैंसल हो गया ना. तो एम रहा यहां पे, एम का पावर वन, टी का पावर माइनस वन, टी का पावर माइनस वन. ये माइनस वन ऊपर जाएगा ना, प्लस वन हो जाएगा ना, कैसे पाइल प्लस वन होगा? ये तो यहां कैंसल कर चुके हो ना, टी 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 पावर माइनस वन कैंसल कर चुके हो ना. तो एम टी माइनस टू ही ना रहेगा, एल एल कैंसल हुआ है, ए माइनस वन. यही ना रहा मैग्नेटिक फील्ड का? देख लो एक बार फिर से, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो टी माइनस वन और टी खत्म, एल ए वाला और ए वाला एल खत्म. तो बता एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन नहीं हो गया? फिर से रिपीट करो. अब बताओ यहां पे इसमें क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर ही ना है जी. अरे यार कभी बात करो तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ही है. तो क्या हो जाएगा बताओ? एम वन, हाँ एल आ जाएगा ना मीटर स्क्वायर, एल टू ना, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन. अब ये मत सोचना कि एसआई यूनिट से डील करा गया, नहीं, ये केवल समझाने के लिए. बताओ बी डॉट डीएससी ना होता है, फ्लक्स जो है वो क्या है? बी डॉट डीएससी ना है. तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाल कर रखे हो बाबू? एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन, एंड एरिया इज व्हाट? एल टू. दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और नॉट? Am I right? So, I have this बाबू लोग, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सब पढ़ा हुआ है अच्छे से ना. B cos theta is what? Component of magnetic field along area vector. And ds cos theta is what? Component of area vector along magnetic field vector. बहुत सारे numericals किए हो इस पे, याद है ना? कॉपी नहीं किए हो तुम लोग? चीलर पार्टी.
तुम लोग लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड ds इज व्हाट, सरफेस एरिया अक्रॉस विच फ्लक्स इज टू बी एवलुएटेड। तो याद रहेगा ना, डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी होता है ना। तो कभी भी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर, तो ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है ना। चलो ये सब बात हो गया ना। शुड आई हैव दिस बाबू लोग, एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन, जल्दी बताइए जरा, मैं आगे बढ़ू। एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इज इट। देखो, फाइंड द फ्लक्स ऑफ, फाइंड द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B equals to 4 micro Tesla I cap, find the flux of magnetic field 4 micro Tesla I cap through a plane, through a rectangular surface, देखो, through a rectangular surface having dimension 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर कर लो ना, 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, याद करो ये सब पढ़ा हुआ है ना। कोई भी एक प्लेन जो वाई जेड प्लेन में लाइक कर रहा है, यही ना है बाबू रेक्टेंगुलर सरफेस। बताओ जरा इसका ब्रेथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना, सॉरी उल्टा है, ये 15 है ना, ये 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है और लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। बताओ इसका एरिया वेक्टर आप लिख सकते हो ds ना, ds वेक्टर लिखो या फिर डायरेक्ट s वेक्टर भी लिखो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, इज इट। ds वेक्टर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कौन सा कैप, यस एरिया वेक्टर विल बी लाइंग अलोंग आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग ना। तो क्या हो गया बताइए जरा, 20 इंटू 15 300 ना, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला आई कैप रहा क्या, सॉरी आई कैप मीटर स्क्वायर आई कैप, ऐसा सिस्टम में आ गया ना वो। चलो फ्लक्स क्या पढ़ाया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स 5E, दैट इज व्हाट, बी डॉट डीएस, याद है ना, डॉट प्रोडक्ट करते हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या, अरे कोई सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, आई कैप को आई कैप में मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 10 टू द पावर, बी कितना है पहले 4 माइक्रो टेस्ला ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये क्या रहा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, डॉट प्रोडक्ट तो करना है, सिंपल है, आई आई ना, तो क्या हो गया, 4 थ्री 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर हो गया क्या, बात समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत, गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू
थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइक्रो टेस्ला, थ्री आई कैप प्लस फोर आई, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइक्रो टेस्ला थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस हैविंग डायमेंशन, हैविंग डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइक्रो टेस्ला थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस हैविंग डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। डायग्राम जो नहीं बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अभी ना। किस प्लेन में लाई कर रहे हैं बाबू? एक्स वाई प्लेन। ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द एरिया वेक्टर इजिली। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। एम आई राइट? गुड। द प्लेन इज लाइंग इन विच प्लेन? रेक्टेंगुलर सरफेस इज लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। इट मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन लाइंग इन एक्स वाई प्लेन और नॉट, बिकॉज देयर यूनिट वेक्टर विल रिमेन सेम, देयर डायरेक्शन विल बी रिमेन सेम। एनी प्लेन्स विच आर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एनी प्लेन विच आर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन विल हैव सेम एरिया वेक्टर और नॉट, डायरेक्शन ऑफ सेम एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सेम एरिया वेक्टर। Now you can find it easily, area vector that is what ds or s, s vector likh do, kitna ho gaya batao 60 cm, 60 into 10 to the power minus 2 into what 30 into 10 to the power minus 2, so that is what 18 into 10 to the power minus 2, kaun sa gap, k cap, is it, unit vector directed along z cap will be what k cap, and obviously k cap is the unit vector perpendicular to plane x and y, plane continuous vector x and y, is it? So a vector is what 18 into 10 to the power minus 2 k cap, and the required magnetic field of which you are to evaluate the flux, that is what 3 i cap plus what 4 j cap into 10 to the power minus 6 tesla, is it? So flux is what b dot ds, will that be zero or not, is it? Its I component is zero, its I component is zero, and its I component is what 3 i cap plus 4 j cap, 3 i cap plus 4 j cap, and this is what k cap, its I component is zero, its J component is also zero, is it? It means magnetic field lines are just parallel to the plane of the given rectangular surface or not, is it? This is the plane, this is the required plane, is it? This is the required plane. Magnetic field lines are parallel to this plane like that, is it? Obviously magnetic field intensity is lying in xy plane, I cap and j cap, I cap and j cap are the unit vectors directed along x axis and y axis respectively, is it? So flux will be what, zero. It means if magnetic field lines are parallel to the surface, flux will be zero, is it? Got it? So
इफ समवन आस्क यू टू फाइंड द फ्लक्स दिस इज द रेक्टेंगुलर सर्फेस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिस इज द रेक्टेंगुलर सर्फेस और दिस इज अ स्क्वायर सर्फेस इज इट एंड समवन आस्क यू टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच आर लिमिटेड टू लोअर रीजन लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सर्फेस लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सर्फेस इज इट ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी जीरो और नॉट because this magnetic field lines are parallel to the square surface or not. So this is the problem which has been asked in NEET. Is it? This is the square surface and all magnetic field lines are lying along the plane of the square surface and parallel to its diagonal. Parallel to its diagonal. Again, magnetic flux will be zero or not? Because magnetic field lines are parallel to the square surface. So its area vector will be like that. And magnetic field intensity is along that plane. The angle between area vector and magnetic field lines is 90 degree. And the cos 90 is what? Zero. So again, here flux will be zero. Is it clear to all of you or not? Should I repeat it? Should I rub this Babu log? Now, just write down. Find the magnetic flux of magnetic field 2 micro Tesla. Find the flux of magnetic field 2 micro Tesla through a given rectangular surface having dimension 60 centimeter into 30 centimeter having dimension 60 centimeter into 30 centimeter making an angle of 60 degree with its surface. Is it? It means the angle between surface and magnetic field is what? So what will be the angle between area vector and magnetic field? Will that be 30 degree or not? While dealing with the problems related to phi equals to b ds cos theta, theta is what? Theta is the angle between area vector and magnetic field vector. Is it? But according to question, this is the question. This is the rectangular surface. This is what? A rectangular surface. Having dimension 60 centimeter into what? 30 centimeter. Am I right? Now you have to find the magnetic flux of the field which makes an angle of 60 degree with its surface. Is it? This is the magnetic field, and that is what will be its magnitude? What is 2 micro Tesla? So that is what? 2 micro Tesla. 2 into 10 to the power minus 6 Tesla. Is it? Now, while using that result, B ds cos theta is the angle between area vector and
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सो आई हैव टू फाइंड दैट एंगल, गॉट इट? सो दिस एंगल विल बी व्हाट, 30 डिग्री, इज इट? ऑब्वियसली एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू, will be perpendicular to its surface, is it? Will be perpendicular to its surface. So angle between area vector and surface is 90 degree. So B is what? 2 into 10 to the power minus 6 Tesla. DS is what? You can find 60 into 30 into 10 to the power minus 4. Am I right? And cos theta, that is what? Cos 30. So that is 2 into 10 to the power minus 6. This will be what? 18. 18 into 10 to the power minus 2 into what? Cos 30, that is root 3 upon 2. Am I right? So further you can, that will be in waiver, is it? In physics, लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग मीन्स क्या, उसका डायमेंशन पता नहीं है आपको ना, ना एक नीचे का छोर ना ऊपर का छोर ना, ऑब्वियस इन पॉइंट्स पता नहीं है आपको। तो एक वायर है, दिस इज अ वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज व्हाट, माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वन इज इन्फिनिटी, इज इट? पहले भी तुम लोगों में बताया हूं इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब, जैसे अगर मैं बोल दिया इसका डायमेंशन 18 मीटर है, तो उससे अगर कोई बात कर रहे हो 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या हो, बहुत छोटा ना, 2 मिलीमीटर के कंपैरिजन में 18 मीटर तो ज्यादा ना हो गया, 18 मीटर ज्यादा कंसीडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है, एक वायर विच कैरेज अ करेंट आई, इज इट? एंड अ स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड इन द सेम प्लेन ऑफ बोर्ड, अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, स्क्वायर ऑफ आवर साइड लेंथ ए इज प्लेस्ड इन द सेम, इज प्लेस्ड इन द सेम प्लेन ऑफ बोर्ड हैविंग लेंथ ए, इज इट? दिस इज स्क्वायर लूप, स्क्वायर सरफेस, इज इट? एंड द सेपरेशन बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन दिस स्क्वायर सरफेस एंड वायर इज व्हाट, डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। नाउ जस्ट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस, इज इट? जस्ट राइट डाउन, पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ो, दिखाया गया है ना, पढ़िए क्वेश्चन। तनिषा, What is the magnetic field action due to a wire of infinite length? If this is a wire having infinite length and carries a current I, if I want to find the magnetic field action due to this wire at a distance x from it, what is the magnitude and direction of the magnetic field action due to this wire? That is what? B equals to mu naught I upon 4 pi or 2 pi. 2 pi x, am I right? Shine 90, shine 90, 112 karta tha na, nahi samajh aaya, mu naught by 4 pi x, mu naught I by 4 pi d padhaya gaya tha na, to mu naught I by 4 pi x, x distance pe agar le liya to, ab direction ki agar baat karoge to idhar chahe kahin pe bhi pata kare, kahin pe bhi pata kare, direction andar hi na ja raha hoga magnetic field babu, magnetic field ka direction kya, andar hi na, no problem। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सरफेस एरिया जो है वो तो लूप दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है ना, लेकिन ये जो डी जो है या इस वायर से इसका डिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, कुछ यहां पे कुछ और होगा, अलग होते जा रहा है कि नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस वायर गोज ऑन डिक्रीजिंग और नॉट एज वी मूव अलोंग द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर और नॉट इज इट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर इज गिवेन बाय बी इक्वल्स टू व्हाट म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स एज एक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग इज इट सो here is what this is the case where magnetic field is not uniform this is the case where magnetic field is not uniform only magnitude wise but direction wise that is uniform यहां से यहां तक चलोगे तो भी direction क्या होगा अंदर ही होगा इसमें कोई शक नहीं लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है magnitude change हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं याद करो सबसे छोटा सा चीज इसके लिए याद है ना जब भी पता नहीं होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म है या नॉन इनफॉर्म है पहले हम लोग छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं उसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं फिर एक लिमिट लेकर के उसको हम लोग ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन यूज करके समझ में आ रहा है ना तो मैं मान लेता हूं इस स्क्वायर का कोई एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करा कितना डिस्टेंस पे यहां से x डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस पे बाबू x डिस्टेंस पे कंसीडर करा कितना विड्थ का dx का क्योंकि दिखलाना इसलिए ये dx का तो दिखलाना इसलिए थोड़ा बड़ा दिखला दे रहा हूं ताकि नजर आ रहा है आप लोगों को ये dx लेकिन ये एलिमेंट्री है बाबू एलिमेंट्री एरिया है क्या है ये एलिमेंट्री एरिया मतलब बहुत छोटा एरिया होगा ये लेकिन पिक्चर में दिखलाना आप लोगों को समझाना इसलिए मैं बना दिया हूं ताकि दिखे तो ये बताइए अगर ए एलिमेंट्री एरिया का लेंथ dx रहा स्क्वायर है तो इसका लेंथ अभी भी ए ही ना होगा जी नहीं समझ आया अरे लेंथ तो ए ही ना है और ये dx है तो ए एक बोल सकते एलिमेंट्री रेक्टेंगल नहीं हो गया इसका एरिया तो निकाल सकते एलिमेंट्री एरिया ds किसके बराबर हो गया बताइए ds लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ ए है और ब्रेथ कितना dx यही ना हो गया तो हम लोग पहले इसके थ्रू फ्लक्स निकालते और बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए डिस्टेंस x वहां लिखा हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू वायर कौन सा वायर लॉन्ग वायर मेंशनड है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू वायर एट ए डिस्टेंस x from it at a distance x from it obvious the direction is perpendicular to the board going in what so magnetic field induction is what b and that will be what mu naught I upon 2 pi x is it mu naught I upon 2 pi x got it is it clear to all of you or not if you will talk about the angle between area vector elementary area vector and magnetic field vector that is 0 degree area vector is also perpendicular to the board going in what and magnetic field induction is also perpendicular to the board going in what so theta that will be 0 degree angle between magnetic field vector and area vector is it now you can find the flux of magnetic field of conductor through elementary area through considered एलिमेंट्री एरिया या रेक्टेंगुलर है ना कंसिडर्ड एलिमेंट्री एरिया बताइए क्या हो जाएगा बाबू डी फाइ इक्वल्स टू व्हाट बी डी एस कॉस 0 डिग्री अरे लिख सकते हो ना बी डी एस कॉस 0 डिग्री तो क्या हो गया बताइए बी कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स एंड डीएक्स कितना है ए डीएक्स कितना है ए डीएक्स और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 जानते ही हो ना यही हो गया
अरे कोई प्रॉब्लम, ये फ्लक्स निकला, फ्लक्स किसका रहा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो रहा यहाँ पे बी उस एस एलिमेंट्री एरिया के थ्रू निकला है, क्योंकि हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्फॉर्म रहेगा कि नहीं इसका, इस एलिमेंट्री एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो इन्फॉर्म ही ना रहा, क्योंकि ए भी एक्स डिस्टेंस पे, सब एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, सारा एक्स डिस्टेंस पे है कि नहीं, लेकिन मुझे तो पूरे स्क्वायर लूप के थ्रू नहीं निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहला बात बताओ, चाहे यहां से यहां जाओ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं कर रहा है, वही कर रहा है, केवल क्या चेंज कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है ना, देखो तो यहां पे एक्स ही ना वेरी कर रहा है। तो हम लोग नेट फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, नेट फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कंप्लीट स्क्वायर सरफेस, थ्रू कंप्लीट स्क्वायर सरफेस क्या कीजिएगा, फाई, जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट इट, यू हैव टू इंटीग्रेट डी फाई, दैट इज व्हाट, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू ए इंटू व्हाट डी एक्स, एम आई राइट, बताओ यहां से यहां तक अगर चलोगे, यहां कहीं पे भी म्यू नोट आई में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 2 पाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ए में कोई फर्क पड़ेगा क्या, केवल क्या चेंज हो रहा है, यहां से जा रहे हैं तो केवल एक्स ही ना वेरी कर रहा है, तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल के बाहर ले आते हैं कि नहीं हम लोग, तो म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल एंड हियर विल बी व्हाट, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट ले सकते हो, एक्स यहीं से ना डिस्टेंस रिकॉर्ड करा गया है बाबू, आपको पूरा यहां से यहां, यहां से यहां तक ही ना जाना है, ये dx जो है वो यहां से, ए स्ट्रिप जो शुरू हो रहा है वो यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा कि नहीं बढ़ते चला जाएगा, यहां पे x का वैल्यू देखेगा तो क्या बोलेगा, x का वैल्यू d है कि नहीं, यहां का वैल्यू x का वैल्यू d, अब जैसे से x यहां पे आया तो x यहां क्या बोलेगा, मैं d हूं, यहां चलते गया क्या बोलेगा, यहां पे x का वैल्यू a प्लस d नहीं हो जाएगा, मैं यहां x से आकर क्या बोलेगा, मैं a प्लस d डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां पे ए डी तो रहा है यहाँ पे डी, और ए वाला ए इसका स्क्वायर का लेंथ भी तो है, तो यहाँ पे आते आते एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस डी, तो अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा बताइए, डी से लेकर के, लिमिट ध्यान देना, डी से लेकर के कहाँ तक बाबू, ए प्लस डी, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरे में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन चेंज नहीं करा है, डायरेक्शन सब क्या है, अंदर ही अंदर ही अंदर ही है, यहां से यहां तक जाइए या यहां इसके बाद इधर कहीं भी चले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनवर्ड, जब एक ही तरफ डायरेक्शन होता है तो उसको स्केलरली तो ऐड कर ही सकते हैं ना, बात समझ में आया, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी तो है भी ना, बात समझ में आ रहा है, चलिए अब बताओ, ये सब तो बहुत पढ़ा हुआ आप लोगों का, ये म्यू नोट आई ए अपॉन क्या 2 पाई 1 बाय एक्स डी एक्स, याद है ना इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, याद कीजिएगा आप लोग को, मैं पहले भी बताया हूं रिपीट करा देता हूं, 1 बाय ए एक्स डी एक्स अगर होता तो क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, अगर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स होता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बाबू, लॉग मॉड ऑफ व्हाट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस ऑफ सी, एम आई राइट, सो म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई रहा, इज इट The integration of 1 upon x dx is what? Log mod of x with its lower limit d, with its lower limit d and upper limit a plus d. Am I right? So, phi will be equal to what? That is what? Mu naught I a upon 2 pi. You can put it. First you have to put अपर लिमिट log mod of what a plus d, x will be replaced by a plus d and just I have to put minus sign here and then after that we will logarithm of mod d to the base e. Lower limit is what d, is it, and I have already taught you the concept of log, logarithm of m minus logarithm of n with same base
दैट विल बी व्हाट लॉगरिथम ऑफ एम अपॉन इन विथ बेस सेम इज इट विथ सेम बेस विथ सेम बेस इज इट सो फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट म्यू नोट आई ए अपॉन टू पाई इज इट दैट विल बी व्हाट लॉगरिथम ऑफ मॉड ई दैट विल बी व्हाट ए प्लस डी अपॉन डी सो दैट इज व्हाट म्यू नोट आई ए अपॉन टू पाई and that will be what logarithm of mod that will be what 1 plus a by d am I right this will be the required magnetic flux is it clear to all of you or not okay should I repeat it can I stop right now आज कितना